हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लेट्स ग्रो अप विद कॉमर्स सर। आइए अंकुर सर के साथ आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फिनिश कर देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम से आप लोग की क्लास एक नए टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ जो कि एडमिशन के साथ रहेगी। तो आज का लास्ट टॉपिक है गारंटी इन पार्टनरशिप। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने लास्ट टॉपिक में, अपनी लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट एंट्री कराई थी। उसके आपको पीडीएफ लिंक भी भेजे थे, वो आप लोगों ने करने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आज का टॉपिक मैं आप लोगों को टॉपिक जो आपको दिखा रखा है गारंटी इन पार्टनरशिप वो क्लियर करने वाला हूं। तो बच्चों ध्यान रखिए, हम सबसे पहले टॉपिक क्लियर करते हैं तभी आगे चलते हैं, जिससे कि हम लोग रटिफिकेशन ना करें, उस चीज को समझ के चलें, जिससे आगे आगे क्लास तो आप लोगों का काम आए ही आए, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज देख रहे हैं, कोई चीज आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां आपको समझ में आए, ना कि आप लोग सिर्फ 12th क्लास तक के लिए उस चीज को लिमिट में रखें। नहीं, मैं चाहता हूं आप लोगों के हमेशा वो चीज काम आए, तो समझ के चलिएगा। देखिए बच्चों, गारंटी इन पार्टनरशिप, गारंटी इन पार्टनरशिप में एक पार्टनरशिप में गारंटी है। अभी पार्टनरशिप के अंदर गारंटी कैसे आ रही है उसको हम एग्जांपल की तरह समझते हैं। अगर हम लोग तीन फ्रेंड हैं और हम अपने तीसरे फ्रेंड को कह रहे हैं कि भैया आपको प्रॉफिट कम मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से जब भी प्रॉफिट होगा तो हम आप लोगों को, या आपको, सिर्फ एक पर्सन की बात हो रही है या दो की भी हो सकती है आगे जाके, हम आपको कम से कम हर साल का जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम 25,000 तो जरूर देंगे। ओके, एग्री हो जाते हैं। अभी जब प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट आने के बाद पता लगता है कि जिस थर्ड पर्सन से हमने कमिटमेंट किया था उसको सिर्फ 15,000 का ही प्रॉफिट हो रहा है। अभी 10,000 की डेफिशिएंसी हो रही है। जो डेफिशिएंसी है वो कौन पूरा करेगा? जो दो बाकी के पार्टनर हैं, जिन्होंने एग्रीमेंट किया था, जिन्होंने कमिटमेंट किया था, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर एक गारंटी की बात आ गई है, क्योंकि थर्ड पार्टनर को आप लोगों ने गारंटी दी थी कि भैया आप हमारे साथ लगे रहिए और हम आपको क्या देंगे, गारंटी देते हैं कि आपको इतना मिनिमम प्रॉफिट तो डेफिनेटली होना ही होना है। तो यहां पर आपका जो टॉपिक है वो आज इसी के ऊपर बेस्ड है। इसके आपके सामने कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, पार्टनर्स टू फर्म व्हेन ए पार्टनर प्रॉमिस टू अर्न ए मिनिमम अमाउंट फॉर फर्म। सेकंड है आपका, फर्म टू पार्टनर व्हेन ऑल रिमेनिंग पार्टनर गिव गारंटी टू ए पार्टनर। एंड थर्ड, पार्टनर टू पार्टनर व्हेन वन पार्टनर गिव्स गारंटी टू अनदर पार्टनर। तो आपके सामने तीन केस हैं और तीन केस में से आज हम थर्ड वाला केस अभी करने वाले हैं, जो कि मेनली आपके सामने क्वेश्चंस में आता है, वही चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप लोगों की स्क्रीन पे सामने है। यहां पर आपकी जो स्क्रीन पे फर्स्ट प्रॉब्लम आ रही है बच्चों, इसको जरा हम समझ के चलेंगे। प्रॉब्लम फर्स्ट में दिखा रखा है सन, मून एंड अर्थ, तीन पार्टनर। पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 रेस्पेक्टिवली। तीन पार्टनर हैं और तीन पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो 4:2:1, इट मींस 4/6, 2/6 एंड 1/6। गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? नो, 4:1 कितना होगा? 7। तो 4/7, 2/7, 1/7। ध्यान रखिए बच्चों, हमेशा आप लोग सीखने की कंडीशन में रहिए, है ना। तो जब भी रेशो, कोई भी चीज गलत होती है तो उस चीज को आप समझिएगा। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर एक अटेंशन की वजह से ध्यान दिलाया है कि जिससे कि आप लोग जब वीडियो देखें तो आपको लगे नहीं सर गलत बोल रहे हैं। तो चेक कर लीजिएगा, 4/7, 2/7 एंड 1/7। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट इन नो केस अर्थ शेयर इन प्रॉफिट शुड बी लेस देन ₹15,000। बोला जा रहा है कि अर्थ को उन्होंने एक इस केस में प्रोवाइड करवाया है, कमिटमेंट कर लिया है कि मिस्टर अर्थ को कम से कम 15,000 का प्रॉफिट हम जरूर देंगे, ठीक है ना। इससे कम प्रॉफिट नहीं मिलने वाला मिस्टर अर्थ को। अभी पूरे क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि वो सन देगा या मून देगा। तो जिस क्वेश्चन में नहीं लिखा होता तो वो एक सीधी सी बात मान के चलनी है आप लोगों की, अर्थ के अलावा बस से कितने हैं? दो पार्टनर, सन एंड मून, तो वही रिकवरी करने वाले हैं,
ओके अब रिकवरी कैसे करेंगे वो समझते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018 अमाउंटेड रुपीज 63,000। 63,000 का आपको बच्चों नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना जानते हैं आप लोगों ने, प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन क्रिएट किया, प्रॉफिट एंड लॉस में आपने नेट प्रॉफिट अपने डाल दिया है, कितना आ रहा है आपका 63,000। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना होता है, ये 63,000 को आप लोगों ने किस पीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4:2:1 रेस्पेक्टिवली। बोला है एक रेशो दे रखा है 4:2:1, तो 4/7, 2/7 एंड 1/7। तो फर्स्ट टाइम आपने किया 63,000 इंटू 4/7, तो बच्चों आपका आंसर कितना आ गया है 36,000। गॉट इट, कितना आ रहा है 36,000, आप देख रहे हैं 36,000 सन का प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब 63,000 में से हम लोगों ने 36,000 किसको दे दिए, सन को दे दिए। आइए मून को देखते हैं, 63,000 इंटू 2/7, आपके स्क्रीन पे सब चल रहा है, आप सब लोग देख रहे हैं, 63,000 इंटू 2/7 कितना आ जाता है बच्चों, मून को कितना मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है मून को 18,000। गॉट इट ना, अभी 63 में से 36 दे दिए 36 दे दिए सन को, और 63 में से जो बचा हुआ है मून को दे दिए 18,000। कितना बच रहा है भाई, अब बच रहा है हमारे पास 9,000। कैसे पता लगाया, 36 और 18 को प्लस किया, जो बच गया वो आपको कितने रह गया 9,000। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, 63,000 इंटू 1 कौन सा है आपका, ये 1 अर्थ के लिए 1 डिवाइड बाय 7 किया तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 9,000। अभी कमिटमेंट कितना किया हम लोगों ने, हम लोगों ने कमिटमेंट किया था 15,000, कितना किया बच्चों 15,000, लेकिन मिल कितना रहा है 9,000, तो डेफिनेटली कम मिल रहा है, कितना कम मिल रहा है 6,000। अब डिपेंड करता है, अर्थ देखेगा सन की तरफ और मून की तरफ, अर्थ कहेगा कि बताइए मिस्टर सन और मिस्टर मून कि अब मुझे आप कितने कितने पैसे दे रहे हैं। समझ में आ रहा है कि कौन कौन कितने कितने पैसे दे रहा है, तो अर्थ कहेगा मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो अपने बाकी के 6,000 रुपीज जो मेरे पास डेफिशिएंसी आ रही है वो मुझे आप लोगों से चाहिए, आप चाहे कितने दो। तो सन और मून ने कहा ठीक है, हमारे जो बीच का रेशो है वो कितना रेशो है बच्चों, 4:2 का, कितना है 4:2 का, तो 4:2 के अकॉर्डिंगली ही हम इसको यहां पर डिवाइड कर लें, किसको करेंगे, लिखा है स्क्रीन पे आपकी 6,000 इंटू 4/6, तो यहां पर आ गया है सन के, सन से कितने लिए जाएंगे 4,000, तो आपने देखा है सन से हमने अर्थ के लिए ले लिए हैं 4,000, लेस करते ही सन का प्रॉफिट कम हो गया, कितना आ गया 32,000, और 4,000 कितना किस कहां मिल रहा है, ये ऐड कर देंगे अर्थ में, किससे मिल रहा है सन से मिल रहा है 4,000, ये ऐड कर दिया आपने। ओके सेकंड, कितना डिफरेंस था 6,000 का था, 6,000 में से 4,000 तो इन्होंने दे दिए, बस से कितने है 2,000, प्रूफ कर लेते हैं, 6,000 इंटू 2/6 क्यों किया जी, क्योंकि 4:2 था, तो 2/6 किया, तो जैसे किया आपने पाया आपके पास कितना आ गया 2,000 आ गया है। अभी समझ में आ रहा है, 4 and 2, 6,000 किसने दिए हैं, सन ने दिए हैं 4,000, मून ने दिए हैं 2,000 रुपीज, तो आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ पर लेस कर देंगे अर्थ से भी, 2,000 यहाँ पर कम कर दिए हैं, इनके आगे 16,000। अब देखिए अर्थ के पास 9,000, 4,000, 2,000, अब अर्थ के पास पूरे 15,000, अब सही है आपका, जो कमिटमेंट किया था वो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों, गारंटी का मतलब समझ में आया, एक ईजी मोड पे आपने समझने की कोशिश करी है, आई थिंक आप लोगों को पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम अपनी प्रॉब्लम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर सेकंड पे क्या गिवन है आपको, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ ए 5:4:1, तीन पार्टनर और तीन पार्टनर का जो रेशो है वो है 5:4:1। सी इज गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन रुपीज 5,000 इन एनी ईयर। बोला जा रहा है कि सी को गारंटेड कर दिया है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि उनका जो प्रॉफिट होगा वो विल नॉट बी लेस देन रुपीज 5,000
एनी ईयर, किसी भी साल से 5,000 रुपए से नीचे उनका प्रॉफिट नहीं जाएगा, ये श्योरिटी दे दी है सी को। ठीक है, आगे लिखा है इट इज फर्दर डिसाइडेड दैट एनी लॉस अराइजिंग, और आगे के लिए डिसाइड किया जाता है कि यदि कोई लॉस होता है तो फ्रॉम द गारंटी विल बी बॉर्न बाय ए ओनली, सिर्फ और सिर्फ यहां पर यदि कोई लॉस होता है तो उस लॉस की जो भरपाई करेगा वो करेगा कौन करेगा बेटा जी, ए करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब पिछले क्वेश्चन में आपके सामने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए आपने ए और बी सॉरी सन और मून को माना था, लेकिन यहां पर आपके क्वेश्चन में सी एक पार्टनर है, सी को गारंटी दी जा रही है, कौन देगा ए और बी देगा, लेकिन बी अपने लिए कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए ही कह रहा है कि मैं ही आपको, अगर आपके पास पैसे प्रॉफिट कम आता है तो मैं अपने पास से दूंगा। तो इट मीन्स हमें ए के ऊपर ही नजर लगा के रखनी है, बी से फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है। ओके, नीचे भी कुछ रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एलोकेट द प्रॉफिट दो प्रॉपर अकाउंट फॉर द 2 ईयर्स, आपको 2 ईयर्स के लिए दिखाना है प्रॉफिट फॉर द ईयर 17 और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट आपका पहला बन जाएगा फिर सेकंड बाद में बन जाएगा, तो पहले साल के लिए फॉर द ईयर 2017 लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा, और सबसे पहले आपने प्रॉफिट लिख दिया, कितना है प्रॉफिट यहाँ का 40,000, सिर्फ इसे मतलब रखेंगे बच्चों 40,000, इस 40,000 में से आप लोगों ने क्या किया बोलो, आपने सबसे पहले 5-4-1 लिखा है ना आपका रेशो, उस रेशो के अकॉर्डिंगली आप लोग क्या करने वाले हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो कितना करेंगे बच्चों 40,000 इंटू 5/10, जैसे ही आप लोगों ने किया तो आपका आंसर आ गया ए में कितना 20,000, तो ए को मिल रहा है प्रॉफिट 20,000 का, बी का देखते हैं, बी का करेंगे तो 40,000 इंटू 4/10 तो कितना आ गया बी के पास 16,000, बी से कोई मतलब नहीं है बाहर लिख दिया मैंने उठा के। अब इसी की बात करते हैं, सी को करा हमने कितना 40,000 इंटू 1/10, तो सी के पास वो सिर्फ कितना आया 4,000, आ गई कमी, और जैसे ही कमी आती है तो जो पार्टनर ने अपने लिए कमिटमेंट किया था उसकी तरफ हम देखना शुरू कर देते हैं, भैया इससे पैसे आने वाले हैं, समझ में आ रही है बात, इससे पैसे आने वाले हैं, तो किससे पैसे आने वाले हैं अभी आपके पास ए से आने वाले हैं, अभी ए ने कहा था कि मैं गारंटी दे रहा हूं, कितनी कमी आ रही है बच्चों 1,000 की, सिंपल है कुछ नहीं करना है, आपने ए से 1,000 रुपीज लेने हैं, लेस कर देने और यहाँ पर डाल देने हैं, 19,000 यहाँ आ जाएगा 5,000 यहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों का एक साल वाला क्वेश्चन जो है फर्स्ट कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, द प्रॉफिट फॉर द ईयर 18 अमाउंटेड टू 60,000, यहाँ प्रॉफिट बोल रहा है कितना 60,000 के लिए, बांटना सब कुछ वही है, वही डिवाइडेशन करना है। तो बच्चों यहाँ पर सेकंड कंडीशन दे दिया आपके सामने, अभी सेकंड कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, देखिए सेकंड कंडीशन दे रखी है आपके फॉर द ईयर 2018 कितना है बच्चों 60,000 प्रॉफिट, 60,000, 60,000 का प्रॉफिट को यदि मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया उसी रेशो में, कौन सा रेशो था आपका बताएं जरा, 5:4:1 उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो मैं आपको एक बार रेशो दिखा देता हूं, देखिए 5:4:1 ठीक है ना, तो 5/10, 4/10 एंड 1/10, तो आप लोगों ने क्या किया बच्चों, यहां पर 60,000 इंटू 5/10 करते ही ए के पास अमाउंट आ रही है 30,000, कितनी आ रही है बच्चों 30,000, बी के पास 60,000 इंटू 4/10 आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो बी के सामने कितना आ जाएगा बेटे 24,000, फिर सी में किया तो सी को 60,000 इंटू 1/10 कितना आ गया 6,000, अरे सी की तो बल्ले बल्ले हो गई भाई, सी ने 5,000 रुपए कहा था कम से कम मुझे मिलने चाहिए, लेकिन सी को मिलेगा कितने 6,000, सी तो बहुत ज्यादा डांस कर रहा है, बहुत कूद रहा है, मजा आ रहा है उसको कि भैया 1,000 रुपए फालतू मिल गए, वापस नहीं लेंगे इससे, हमने कहा था कम से कम आपको प्रॉफिट इतना होगा, तो प्रॉफिट ज्यादा का हो गया तो वो उसका है, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। अभी यहाँ क्वेश्चन आप लोगों का फिनिश हो चुका है, आज का ये टॉपिक आप लोगों का इस फंडामेंटल के साथ फिनिश करते हैं, आपको मैं होमवर्क के लिए PDF लिंक कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप जरूर करें, जो चीज समझ में ना आए आप मेरे से जरूर पूछें। ओके, मिलते हैं अपनी नई क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ओके, थैंक यू।